Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राजधानी दिल्ली में जल पर पानी पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। इन सब के बीच कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लड़ा जा रहा है और आम चुनावों के वक्त गठबंधन में रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या कर रही है, बात करेंगे दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव से। आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि पानी में दिल्ली की त्राही त्राही है और अमूमन देखा गया है अब तो पानी की चोरी भी हो रही है, टैंकर माफिया पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जल जीवन है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लगातार इस बारे में चिंता जाहिर करते रहे हैं कि दिल्ली में पानी की भारी कमी के चलते त्राहिमान त्राहिमान हो रहा है और पूरी दिल्ली इससे अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी गर्मी शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि पूरे दिल्ली में आज पानी की भारी कमी की किल्लत से लोग परेशान हो रखे हैं। हम इस बारे में लगातार पहले भी चर्चा करते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हमारी मौजूदा सरकारों की नाकामियों की वजह से, उसके नज़रअंदाज करने की वजह से ये समस्या जो है वो बहुत बड़ी होकर अब हमारे सामने खड़ी है। होना ये चाहिए था कि अभी जब गर्मी बढ़ती है तो पानी सब लोगों को मुहैया करा जाना चाहिए था। हिमाचल की सरकार ने आगे बढ़ते हुए 133 क्यूसिक पानी छोड़ने का काम किया, लेकिन आज तक वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्या राजनीति हो रही है, कहां पर रुक गया, कहां पहुंच गया वो पानी, इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। जिस मुनक नहर से दिल्ली की तकरीबन 42% जनता को पानी मिलता है वहां पर आज पुलिस तैनात कर दी गई और ये पता लगा कि वहां पर अवैध बोरवेल है और टैंकर माफिया काम करता है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा है हरियाणा की तरफ पानी चोरी हो रही है, तो दिल्ली के क्या हाल है? दिल्ली के हम पहले भी की बात कहते रहे हैं, टैंकर माफिया आज पूरे जोर शोर से अपना काम कर रहे हैं और ये मिलीभगत से हो पा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम एक मुद्दा उठाते आए हैं कि दिल्ली, पूरी दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्यों सप्लाई किया जा रहा है और क्या कारण है, उसकी वजह से टैंकर माफिया हो या पानी का माफिया जो बॉटल्स में पानी सप्लाई करता है, आज एक परिवार को जो गरीब परिवार है उसको भी 50 से 100 रुपया अपने पीने के पानी के लिए खर्च करने पड़ते हैं और वो डिपेंडेंट किसके ऊपर, टैंकर्स पे। वो कि डिपेंडेंट, बीजेपी आरोप लगा रही है कि टैंकर माफिया से मिली भगत है सरकार की। मैं देखिए, कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला दिखता है जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार लीकेजेस बढ़ती जा रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है, आज लीकेज 58% हो गई है, उसका कारण क्या है और उससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, उससे प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दिल्ली के एलजी ने जब कह दिया कि पानी की बर्बादी लीकेज ही जिम्मेदार है और साथ ही साथ जो टैंकर माफिया जिम्मेदार है, तो तकरार अभी भी चल रही है दोनों, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, लेकिन दिल्ली का क्या हल? दिल्ली हमेशा इनकी राजनीति के चक्कर में पिसती आई है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि इनको जागना चाहिए। जनता ने भी अपना वर्डिक्ट अभी थोड़े दिन पहले दिया है, इससे समझ आनी चाहिए कि वो बदलाव चाहते हैं, वो एक स्वच्छ और साफ सरकार चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब पानी की बात आती है तो हम एक मुद्दा उठाते आए हैं कि दिल्ली, पूरी दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्यों सप्लाई किया जा रहा है और क्या कारण है, उसकी वजह से टैंकर माफिया हो या पानी का माफिया जो बॉटल्स में पानी सप्लाई करता है, आज एक परिवार को जो गरीब परिवार है उसको भी 50 से 100 रुपया अपने पीने के पानी के लिए खर्च करने पड़ते हैं और वो डिपेंडेंट किसके ऊपर, टैंकर्स पे। वो कि डिपेंडेंट, बीजेपी आरोप लगा रही है कि टैंकर माफिया से मिली भगत है सरकार की। मैं देखिए, कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला दिखता है जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार लीकेजेस बढ़ती जा रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है, आज लीकेज 58% हो गई है, उसका कारण क्या है और उससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, उससे प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दिल्ली के एलजी ने जब कह दिया कि पानी की बर्बादी लीकेज ही जिम्मेदार है और साथ ही साथ जो टैंकर माफिया जिम्मेदार है, तो तकरार अभी भी चल रही है दोनों, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, लेकिन दिल्ली का क्या हल? दिल्ली हमेशा इनकी राजनीति के चक्कर में पिसती आई है।
मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि इनको जागना चाहिए। जनता ने भी अपना वर्डिक्ट अभी थोड़े दिन पहले दिया है, इससे समझ आनी चाहिए कि वो बदलाव चाहते हैं, वो एक स्वच्छ और साफ सरकार चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब पानी की बात आती है तो कम से कम उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसमें ये घिनौना खेल नहीं खेला जाना चाहिए, उसमें हमें समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और अगर समस्या का कोई समाधान है तो वो लीकेजेस रोकना है, वो जो पानी आता है उसको साफ करके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार का है। एक तरफ फ्री पानी की बात करती है ये सरकार, लेकिन आज लोगों को परेशान होकर 50 से 100 रुपए प्रतिदिन अपने पीने के पानी के लिए लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है एक दूसरे के ऊपर जो गेंद फेंकने का काम करती है वो लोगों के सामने। देवेंद्र जी, आप लोग अलायंस पार्टनर रहे हैं, अब आपका अगला क्या कदम होगा? क्या आप सरकार से कुछ मांग करेंगे या फिर आगे दिल्ली कांग्रेस कुछ करने जा रही है? देखिए, दिल्ली कांग्रेस का अलायंस लोकसभा के लिए हुआ, एक अच्छा गठबंधन हुआ, एक मजबूत गठबंधन हुआ, पूरे देश में विभिन्न पार्टियां साथ आई और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जहाँ तक बात सामाजिक मुद्दों की है, जहाँ तक बात लोगों की समस्याओं की है, कांग्रेस पहले भी जागरूक थी, अभी भी मजबूती के साथ उन मुद्दों को उठाएगी। हमने आज हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है, उनके साथ चर्चा करने के पश्चात हम एक बड़ा प्रदर्शन, छोटे हर एक विधानसभा लेवल पर, हमारे ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन की तैयारी हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, उसके ऊपर कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के मूड में है। हम इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएंगे, लड़ेंगे, ठीक है, और यानी उसके बाद सड़कों पर भी उतरेंगे। तो साफ है कहीं ना कहीं जो सियासत चल रही है उसमें दिल्ली की जनता जरूर पिस रही है, लेकिन साफ तौर पर दिल्ली प्रदेश अब इस पूरे मामले में सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता सिर्फ यही चाहती है कि जब ज़्यादा तापमान बढ़ा है, पानी की डिमांड ज़्यादा है, तो कम से कम पीने का पानी उन्हें मिल जाए। लेकिन उनकी इस हसरत को, या यूं कहें उनकी इस आवश्यकता को चपत लगा रहा है टैंकर माफिया। राम किंकर सिंह, दिल्ली,